अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। 10 मल्ला 35x65 का घर है। इसकी लोकेशन सेक्टर सी, बहरिया टाउन, लाहौर है। इसकी तमाम डायमेंशंस, प्लान और इंटीरियर आज आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज इसकी मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ जाए और इसकी घर की क्या प्राइस है वो भी आपको मिल जाए। ये इसका फ्रंट मेन गेट है और ये है जी इसका कार पोर्च। ये कार पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं और ये फ्रंट लॉन है 10 फीट 9 इंच में। साइड स्पेस इसकी 5 फीट की है, इसी तरह बैक स्पेस भी इसकी 5 फीट की है। ये सीलिंग डिज़ाइन कार पोर्च का मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने जो डोर नज़र आ रहे हैं आपको, एक ड्राइंग रूम का और एक मेन एंट्रेंस का है। तो इसमें हम चलते हैं, ये ड्राइंग रूम का डोर और ये मेन एंट्रेंस का डोर है। तो हम ड्राइंग रूम के डोर से एंटर होंगे। ये ड्राइंग रूम का डोर जिसमें वुडन टाइल दी हुई है। ये फ्लोरिंग है इसकी और ये सामने सीलिंग डिज़ाइन और उसमें फानूस दिखाई दे रहा है आपको। और ये है जी इसका फायरप्लेस। ये दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग रूम को। ये कर्टन्स सामने लगा हुआ ड्राइंग रूम में और इसके पीछे वॉलपेपर है और ये फुल व्यू सीलिंग डिज़ाइन जो कि ड्राइंग रूम का है उसका भी आपको दिख रहा है। ये इस वॉल पे इंटीरियर हुआ है, ये स्टोन लगा हुआ है जहाँ पे फायरप्लेस वाले हिस्से में ये देख सकते हैं आप। अब फुल व्यू है इस वॉल का, हर तरफ से मैं ड्राइंग रूम का व्यू आपको दिखा रहा हूँ और हर वॉल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फानूस जो कि ड्राइंग रूम में, ये ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के दरमियान वुडन डोर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉल भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप बिल्कुल इसे ओपन भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं टीवी लाउंज में। ये हम टीवी लाउंज में आ गए विद द वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर। ये LED पॉइंट और इस वॉल पे सामने आप देख सकते हैं इंटीरियर बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। और इस वॉल में सामने जो डोर्स की वॉल है जो कि दोनों बेडरूम है और ये टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने ओपन किचन है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन टीवी लाउंज का, उसमें बहुत खूबसूरत फानूस दिया हुआ है। इसको भी मैं दूसरे एंगल से अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ये फानूस चेक कर सकते हैं आप इसका। ये सामने फुल व्यू LED पॉइंट और इसके साथ जो इंटीरियर हुआ है वो दिखा रहा हूं आपको। ये ओपन किचन बिल्कुल टीवी लाउंज के सामने। यहां से मैं आपको पूरा प्लान भी समझाता हूँ। ये एक बेडरूम, ये बेडरूम और इसके सामने टीवी लाउंज के सामने ओपन किचन। ये किचन कैबिनेट्स देख सकते हैं और ये किचन का सीलिंग डिजाइन। ये इसके सराउंडिंग में जो कि ओपन किचन है, इसके सराउंडिंग में लाइट्स लगी हुई है। किचन कैबिनेट्स को मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। ये ऊपर वाली है और इसके बाद ये किचन कैबिनेट्स, वाइट स्लैब है इसकी। अब बेडरूम की तरफ चलते हैं, वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। ये वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर, ये सामने यहीं पे आपका बेड आ जाएगा और ये इसका सीलिंग। कर्टन हर रूम में कर्टन्स दिए हुए हैं विंडो के सामने। ये कर्टन्स देख सकते हैं आप, क्लोज करके दिखा रहा हूं। इसमें वार्डरोब भी है और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। ये वार्डरोब, और बैक ओपन स्पेस में इसका वॉशरूम है। ये वेंटी इसकी, ये जकोजी इसमें बात का, ये डिजाइन आप देख सकते हैं। और ये इसका सेलिंग,
ये शॉवर एरिया इसका। चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, इसका भी वही वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर, और यहां पे आपका बेड आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन इस बेड का, बेडरूम का। इसमें वार्डरोब और विंडो के सामने कर्टन्स दिख रहे हैं आपको, ये वार्डरोब। और ये कर्टन्स, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, उसे शेयर करता हूं आपके साथ। ये एलईडी पॉइंट इस रूम में, ये हम आगे जी बाथरूम में, ये वेंटी इसकी, और ये टाइल फ्लोरिंग की और वॉल पे जो टाइल हुई है वो भी देख सकते हैं। और ये इसका शॉवर पर इसका सीलिंग। चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये स्टेयर्स देख सकते हैं आप, स्टेयर बहुत ही खूबसूरत स्टेयर लॉबी इन्होंने बनाई हुई है डबल हाइट पे, ये की हुई है। सीलिंग डिज़ाइन इसका बहुत खूबसूरत है, फर्स्ट फ्लोर पे जाके दिखाऊंगा आपको। और ये पाउडर रूम है स्टेयर्स के नीचे, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, स्टेयर लॉबी ये फर्स्ट फ्लोर की है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसकी फ्लोरिंग स्टेयर लॉबी की। ये स्टेयर वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन किया हुआ है, और इसमें फानूस दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये फानूस उसमें, और ये सीलिंग नीचे तक उसमें वॉल तक भी आई हुई है। चल ये फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस, इसका लिविंग है, ये सामने वॉल पे इंटीरियर, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन लिविंग का, जिसे आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। और इसी में एलईडी पॉइंट भी है, फानूस देख सकते हैं उसमें सीलिंग में, और ये सामने एलईडी पॉइंट इसका, ये फानूस, और ये इसका इसका वॉल पे जो इंटीरियर हुआ है, ये एलईडी पॉइंट ग्राउंड। इसमें फर्स्ट फ्लोर में टू थ्री बेडरूम है, टू एक फ्रंट पे है और दो बैक पे हैं, ये देख सकते हैं हम, दो बैक पे बेडरूम है। और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने किचन है, इस किचन के साथ एक छोटा सा स्टोर है। और ये इसका सीलिंग डिजाइन किचन का, ये किचन कैबिनेट्स। ये हम बैक वाले बेडरूम में आगे, जो कि दो बेडरूम है, उनमें से एक अभी देखेंगे हम, वन बाय वन तीनों देख लेंगे। एलईडी पॉइंट, और ये इस बेडरूम का सीलिंग, ये सामने कर्टन्स लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, वुडन टाइल इसमें। यहां पे आपका बेड आ जाएगा, वार्डरोब भी है इसमें, और इसके साथ अटैच वॉशरूम। उससे पहले कर्टन्स देख लेते हैं, इसके बाद वॉशरूम देखते हैं। ये जी अटैच वॉशरूम, ये कमोड इसमें, ये शॉवर एरिया, और ये इसका सीलिंग डिजाइन। चलते हैं दूसरे बेडरूम में, जो कि फर्स्ट फ्लोर का दूसरा है, वैसे फोर्थ बेडरूम है ये। यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा इस बेडरूम में, ये सीलिंग डिजाइन आप इसका देख सकते हैं, कर्टन्स वाइट ऑयल विद वाइट बॉर्डर, ये वार्डरोब इसकी दीवार के अंदर फिक्स हुई है, और इसके विंडो के सामने कर्टन्स, इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये बाथ, कमोड, और ये शॉवर, और ये इसका सीलिंग। चलते हैं लास्ट वन बेडरूम की तरफ, जो कि फ्रंट पे है, फ्रंट एलिवेशन से इसकी विंडो नजर भी आ रही होती है, ये कर्टन सामने आ गया, ये इसका सीलिंग,
बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, और यहाँ पे आपके सामने बेड आ जाएगा। ये वॉल पूरी, मैं आप इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये कर्टन्स विंडो के सामने, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, और ये एलईडी पॉइंट। हर रूम में विंडो के सामने कर्टन, हर रूम में एलईडी पॉइंट, और हर रूम में वार्डरोब दी हुई है। ये बात है इसका। आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।